प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है, क्योंकि जल्द ही आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका टाइम टेबल आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, देखिए समय 3 घंटे आपको मिलने वाला है। अंक आपको 75 अंक का पेपर मिलेगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का आपका अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 से लेकर 5 तक जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 30 नंबर के, वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद में 6 से लेकर 23 तक के जो भी आपके आम ना और उसके बाद आपके किसने किससे कहा, टोटल क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, साथ ही जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं वाले जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए विद्यार्थियों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले यदि आप सभी दोस्त एक बार अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बालकस्य इति पदे रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो बालकस्य है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो अगर आपने राम की विभक्ति याद करिए तो बोलकर जाइएगा, राम रामम रामेन रामाय रामत रामस्य, रामस्य मतलब बालकस्य, इसमें जो विभक्ति है आपकी षष्ठी विभक्ति है। तो सभी दोस्त अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन क्रमांक 2 है, पित्रः इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो विद्यार्थियों, पित्रा में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय प्रथमा तृतीय चतुर्थी। तो पित्रः में जो विभक्ति है वो है आपकी प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बता देते हैं जो फलम है आपका द्वितीय विभक्ति का रूप है, मतलब प्रथमा और द्वितीय में फलम ही रहता है, इस कारण से आपका करेक्ट आंसर फलम हो जाएगा। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रमभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। रमभ्याम में कौन सा वचन है। तो रमभ्याम में दोस्तों कौन सा वचन है, तो इसमें जो आपका वचन होगा वो होगा द्विवचन। आपने लता की विभक्ति याद करी हो तो लतभ्याम लतभ्याम लतभ्याम, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम रहती है, लतभ्याम लतभ्याम। उसी प्रकार रमभ्याम रमभ्याम रमभ्याम, तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति है इसमें। अगला है, जीवनम दुर्वम अस्ति, जीवन क्या है कठिन है। तो यहाँ पर क्या जाएगा इसमें खालिस्तान में, अत्र अत्र जीवनम दुर्वम अस्ति। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण है क्षणम संचरणम लाभदायक भौती, लाभदायकम भौती। तो इसमें आपका आंसर होगा अपी, अपी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम शुद्ध शुद्ध देखेंगे, आम ना देखेंगे। तो पहला हम देखने वाले हैं, पश्यति इत्यस्मिन् पदे पश्य धातु अस्ति। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा गया है कि पश्यति में आपका पश्य धातु है तो जी नहीं है, तो इसमें क्या लिखोगे, ना। भव इत्यस्मिन् धातु रूप एकवचनम अस्ति, तो इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, आम आम हो जाएगा, सही है। गमिष्यति इति पदे लेट लकार अस्ति, आम। तीसरे वाले में क्या होगा, आम। और लबन्ते इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, तो लबन्ते में मध्यम पुरुष है, तो इसमें भी क्या होगा, मध्यम पुरुष में आपका लबन्ते में नहीं, तो इसमें ना हो जाएगा। और अत्याचार इत्यस्मिन् पदे आ उपसर्ग अस्ति, ना। और लास्ट वाला, उपमन इति पदे उप उपसर्ग अस्ति, तो बिल्कुल सही, उप उपसर्गीय, उपवनम में कौन सा उपसर्ग है, उप है, बिल्कुल सही, आम लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आम हो गया। उसके बाद में हल करेंगे हम,
यहां पर दोस्तों जोड़ी, तो देखिए अग्नि दग्धः, अग्नि दग्धः में कौन सा समास है, तो अग्नि दग्धः में आपका जो समास होगा विद्यार्थियों अग्नि से जला हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले त्रिभुवनम देख लीजिए, तो इसमें होगा आपका त्रिभुवनम में त्रिभुवनम, तो यहां पर आपका देखिएगा त्रिभुवनम का जो हमारा द्विगु समास है वो ये रहा। दशानन में बहुरी समास है, हिमालय में आपकी दीर्घ संधि है और नरधन इंद्र गुण संधि है, अत्याचार में आपकी यण संधि है, बचा कौन सा अग्निदग्ध, इसका पहले का पहले से ही मिल जाएगा। अग्निदग्ध मतलब अग्नि से जला हुआ, तत्पुरुष समास, ठीक है, ये जोड़ी हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्रत्यय की, एक पद में उत्तर देना है। तो आगत्य इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों ये आपको बताना है। तो आगत्य में जो प्रत्यय है वो है आपका ल्यप्य प्रत्यय, ठीक है। अगर आपसे तोड़ने का बोले तो इसका टूटेगा आधन गम धन गत धन लप्य, इस प्रकार से आपका टूट जाएगा आगत्य। और यहाँ पर अज धन टाप को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखकर बता देता हूँ अजा बन जाएगा अजा, ठीक है। जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार सभी वीडियोस पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर और चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे बात करेंगे नेतुम इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो नेतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो निधन तुमुन, तुमुन प्रत्यय है, लगा लीजिएगा तुमुन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें आप लिखोगे गहन काना ने, गहन काना ने, ठीक है। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा था, गहन काना ने। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पर हम विशेषण विशेष्य से क्वेश्चन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। कश्चित विशेषण्य विशेष्य पदम अस्ति, कश्चित मतलब यहाँ पर आपका कश्चित विशेषण्य विशेष्य पदम, कश्चित कृष्या का, पहले वाले में क्या आएगा कृष्या का, है ना, हटा देता हूँ। दूसरा देखेंगे मधुरानी गीतानी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम, तो देखिए यहाँ पर गीतानी, गीतानी में क्या जाएगा विशेष्य पद आ जाएगा, गीतानी भर दीजिए इसमें, ये लिखा है गीतानी, इसमें लिख दीजिएगा। आगे बात करेंगे आम्रम आम का पर्यायवाची, तो आम का क्या हो जाएगा रसालम, भर दीजिए इसमें। अगला पत्नी का पर्यायवाची, तो इसमें हो जाएगा भार्या। और दूषितम का विलोम, तो दूषितम का क्या हो जाएगा शुद्धम, इसमें लिख दीजिएगा। और संपत्तों का क्या हो जाएगा विलोम, विपत्तो हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ, आप जिस भी क्लास में, जैसे कि आप तो देख रहे हैं लेकिन आपके यदि कोई भी दोस्त हैं कक्षा नवीं में हो, दसवीं में हो, ग्यारहवीं में हो या बारहवीं में हो, सभी के लिए एक से एक वीडियो आने वाले हैं चैनल पर। तो आप सभी दोस्त एक बार अपने सभी क्लास वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन वीडियोस मिलने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।